हमने कलरफुल शीट पे ब्लैक पोस्टर कलर किया था, अब हमने बॉर्डर बना दिया है ये इस तरह। अभी थोड़ा सा रहता है वो मैं करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे लाइंस इसमें स्क्रैच करनी है। बॉर्डर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब किसी भी पॉइंटेड चीज़ से, जैसे ये मैंने ब्रश लिया हुआ है उसकी बैक साइड से उसको शार्प कर लिया है, तो इसी तरह आप भी कोई पॉइंटेड चीज़ ले लीजिए, जैसे टूथपिक होती हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब हमने ये ब्लैक पार्ट है इसको स्क्रैच आउट करना है और हम इसमें आउल बनाएंगे, आउल दिखाएंगे आपको, कलरफुल आउल। इस आर्ट को हम मैजिक स्क्रैचिंग आर्ट बोलते हैं। तो अभी हम आउल की आईज बना रहे हैं, आप देख सकते हैं मैजिक स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमने आउल को ब्रांच पे बैठा हुआ दिखाया है। इस तरह से हमने डिटेलिंग करनी है। आप देख सकते हैं स्क्रैच करने पर नीचे से कलरफुल लाइंस निकल रही हैं।
अभी हमने इसके फैदर बनाए, इसमें हम डिटेलिंग करेंगे अभी। ऐसे ही आपको स्क्रैच करना है फेदर्स। कंप्लीट हो चुका है वैसे हमारा आउल। अब हम फाइनल टच देंगे इसमें, डिटेलिंग्स निकालेंगे मेन, जहाँ पे आपको लग रहा है डार्कनेस ज़्यादा आ रही है वहाँ स्क्रैच आउट करेंगे आप। अभी हम इसमें फाइनल टच दे रहे हैं, जहाँ आपको लगता है थोड़ी भी कमी है, कलर ठीक से नहीं निकला है, कलरफुल नहीं हुआ है अभी, तो बारीक बारीक लाइंस निकालिए, डिटेलिंग निकालिए इसमें। जितना ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि कलर निकल कर आएगा नीचे से।
ये ब्रांचेस को हमने 2-3 लाइंस को स्क्रैच करके निकाला है। सिंगल लाइन में निकालेंगे तो वो बात नहीं आएगी, कलरफुल नहीं लगेगा इतना। अब देख सकते हैं, देखिए अभी हमारी मैजिक कार्ड पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। स्टार्टिंग के आपने स्टेप्स देखिए आप स्टेप्स देखिए आखिर लास्ट वाले। हमने कैसे स्टार्ट किया था, वाइट शीट हमने ली थी, हमने फिर कलरफुल स्ट्रिप्स दिखाई हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू, ग्रीन। देन पूरा कलरफुल करने के बाद हमने इसको ब्लैक किया है, पोस्टर कलर से पूरा फ्लैट पोस्टर कलर मारना है, फिर उसके ऊपर स्क्रैच करना है। आपको कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप। हमने आउल उठाया है, सो आप भी ट्राई करिए घर पर।